नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले उपाय निश्चित ही आर्थिक समृद्धि और सफलता देने वाले होते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्षय तृतीया का दिन सर्वसिद्ध मुहूर्तों में भी अति श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ मंगलिक कार्य जैसे विवाह, मकान, गृह प्रवेश, वाहन, आभूषण, किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए अति शुभ माना जाता है। इसे करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, पुराणों में लिखा है अक्षय तृतीया के दिन पितरों का तर्पण करना, पिंडदान करना या किसी भी प्रकार का दान करना अति अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है, अति शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले उपाय जो आर्थिक समृद्धि और सफलता देने वाले होते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले उपाय जो निश्चित ही आर्थिक सफलता और आर्थिक समृद्धि देने वाले होते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पर्व पे सोना खरीदने का प्रचलन सबसे ज्यादा है, साथ ही सोना खरीदना अति शुभ भी माना जाता है। परंतु इस दिन आप माता लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर उसकी नियमित पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन 11 कोणियों को लाल वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी के समक्ष रखने से, उनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी को समुद्र से निकली कोणिया भी अति प्रसन्न है। साथ ही दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पूजा घर में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से भक्तों को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा में इस प्रकार के नारियल माता को बेहद शुभ माने जाते हैं, माता को अति प्रिय माने जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अक्षय तृतीया के पर्व पर आप अपने पितरों, अपने पूर्वजों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए आपको जल, कलश, पंखा, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का दान आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया की तिथि पर आप इस प्रकार के उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों।